हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं जाबड़। यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। ये बच्चे बड़े बूढ़े और सबको पसंद आएगी। इसे आप एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिए। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। जाबड़ बनाने के लिए हमने लिया है एक लौकी। अब हम इसको छीलेंगे अच्छे से। तो पहले हम इसको किनारे का काट लेते हैं। अब हम इसको पूरा छीलेंगे। छीलने के बाद हम इसको वॉश करके अच्छे से फिर बारीक काट लेंगे। देखिए, हमने लौकी को चारों तरफ से छील लिया है। अब हम इसको वॉश कर लिए हैं। अब हम इसको काटेंगे। हमें इसे बहुत बारीक बारीक काटना है। तो पहले हम हाथ भाग कर लेते हैं। हम काटते जाएंगे। इस तरह से आप लौकी काटेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी बारीक लौकी आपका कट जाएगा। देखिए, देखिए हमने कितनी बारीक बारीक लौकियां काटी है। इस तरह आप भी लौकी काटेंगे। अब हम चलते हैं लौकी से जाबड़ बनाने। जाबड़ बनाने के लिए हमने गैस ऑन करके उस पर कुकर रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये हाफ टी स्पून मेथी। साथ ही साथ मैं डालूंगी ऑयल। ये हमारा मस्टर्ड ऑयल है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। इसमें ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। देखिए, मिट्टी हमारा चटक रहा है। ये हमने दो रेड चिली लिया है, इसको हमने तोड़ लिया है। इसको मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे लौकी जो कि हमने काट लिया था। अब इसको हम चलाएंगे। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालूंगी। अब इसको फिर से चलाएंगे। अभी हम इसके 5 मिनट के लिए ढकेंगे। हमारे 5 मिनट्स पूरे हो गए। अब मैं सब्जी को देखूंगी एक बार। देखिए, लौकी में से हमारा पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है। अभी मैं इसमें डालूंगी ये राइस। ये मोटी राइस है, इसको मैंने वॉश करके रखा है। जाबड़ खिचड़ी की तरह ही होता है। तो आप अपनी खिचड़ी बनाने के लिए जितना चावल लेते हैं उतना ही चावल लीजिएगा। हम इसको अच्छे से इसमें चला लेंगे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर। ये हमारा हाफ इंच जिंजर है, इसको हमने छील के रख लिया है। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी। चावल के हम 4 गुना पानी डालेंगे। अभी मैं कुकर को सेट कर दूंगी। अभी हम इसमें 5 सीटी आने तक पकाएंगे। हमारे 5 सीटी पूरी हो गए। अब मैं गैस को ऑफ करूंगी और इसे सीटी छूटने तक हम इसका वेट करेंगे। देखिए, हमारे सीटी छूट गए हैं। अब हम खोलेंगे कुकर को, इसे चला के देखेंगे। देखिए, परफेक्ट गल गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी ये हमारा 1 कप मिल्क है। इसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। हमारा जाबड़ बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जाबड़ बनके तैयार है। यह बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और सुपाच्य होता है। तो इसे आप एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।